रुका दिया पानी। ये देखो गाइस, पुल पूरी तरह से मुड़ चुका है और पानी देखिए अभी भी बड़ा हुआ है। यहाँ पे यहाँ तक डूबा होता पूरा, ये लगभग यहाँ तक। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो गाइस आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं एक जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा और वो जरूरी टॉपिक हमारे गांव से रिलेटेड है। हमारे तीन गांव रापे राशेल जोबरम को जोड़ने वाला जो मेन पुल है, आजकल उस पुल को बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। खतरे का कारण है झालमा नाला। झालमा नाले में लगातार बाढ़ आने की वजह से चिनाब नदी रुक जाती है, जिससे पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया जिससे जोबरम गाँव में जो नदी के आसपास खेत थे वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं और उसमें जो खड़ी फसल थी लाखों का नुकसान हो गया। वो सारे खड़ी फसल खराब हो चुके हैं और लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। ये सिलसिला लगभग 10 दिनों से चलता आ रहा है और पिछले कल पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया था जिससे चिनाब नदी हमारे जोबरम पुल के ऊपर से बहने लग गई थी। आप लोग सोच ही सकते हैं, चिनाब नदी बहुत बड़ी नदी है और वो जोबरम पुल के ऊपर से बह रही थी। ये तो शुक्र है हमारे पुल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी यार चिनाब नदी अगर बार बार ऐसे रुकती गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी भरने की वजह से आसपास जो सड़कों में दरारें आ चुकी है और वो सड़कें कभी भी गिर सकती है। ऊपर से आजकल फसलें तैयार हो चुकी है, सीजन टाइम अगर वो सड़क गिर गए तो लोगों की फसलें तो यहीं पर रह जाएगी। और एकमात्र वही सड़क है जहाँ से लोग अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं, वहीं से फसलों को ले जाते हैं। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि कितना नुकसान हो जाएगा यहाँ पे लोगों का। प्रशासन से मदद की गुहार तो लगाई है हमने, प्रशासन वाले सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी वो इस काम को अंजाम देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितना खतरा बना हुआ है। ये देखिए बच्चा, बढ़िया बढ़िया कट गया। फसल बाकी देश लांच हो और आ गया। ओ सच्चा तस्वीर मलवा पज गाँव पज। देर बातें सिल रही क्या तो करा
जाल मना ले खाल देखो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक। ये जमीन पूरा हिल रहा है यहाँ पे भी यार, ये देखिए नदी ब्लॉक होने वाला है मुझे लगता है। रुका दिया पानी, मुड़ गया। ये देखिए गाइस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है यार, इन रोड के पास पड़े तो ये देखिए पुराना दूध। यहाँ पे देखिए सेब के पेड़ डूबे हुए हैं। यहाँ देखो गाइस चिकन चॉप, यहाँ कर ये देख लकड़ी फंसे हुए अभी भी यहाँ। ये देखो गाइस पानी यहाँ तक था गाइस, ये लकड़ी देखिए आज देखो ये देखो गाइस पुल पूरी तरह से मुड़ चुका है और पानी देखिए अभी भी बड़ा हुआ है। ये देखिए ये पूरा डूबा हुआ था गाइस, यहाँ पे यहाँ तक डूबा हुआ था पूरा, ये लगभग यहाँ तक। ये देखिए गंदगी सारे यहाँ पे फंस चुके हैं। सड़कों में दरारें आ चुके हैं, वहाँ पे जो देखिए वहाँ पे मलबा गिरा हुआ ना देखिए वो पूरा पेच गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुके हैं वहाँ पे, तो कुछ करना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो सीज़न के टाइम में गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तीन गांव को जोड़ती है, एक जोबरंग, एक राशल और रापे के लिए। ये देखें यहाँ पे कितनी दरारें पड़ चुकी है, देखें ये सड़क कभी भी गिर सकता है यार। ये देखें पानी का फ्लो बढ़ते जा रहा है और नीचे से मिट्टी कटती जा रही है ना यहाँ से, और ये धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है। देखें सीज़न टाइम अगर ये गिर गया ना तो लोगों की फसलें यहीं पर रह जाएगी, ये गिरेगा धीरे धीरे यहाँ पर और कटिंग लगता जाएगा। सुबह से प्रशासन का वेट कर रहे हैं, 8:30 बजे से लोग यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, तो अभी 11:30 बजे पर अभी तक कोई आया नहीं है, किसी का पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा अभी तक। पिछले कल बोलते DC आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं कोई भी, देखते हैं अब कौन आने वाला, प्रशासन वाले कोई नहीं आया। ठीक है जी, इसी साहब भी आएंगे ना जी, अच्छा जी सर थोड़ा इनको प्रायरिटी पे करवाना सर आप। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। वीडियो भेज दिया मैंने, सीएम साहब ने भी इस बात को देख लिया है, और जो भी जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी समय समय के अनुसार हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी सहायता के लिए खड़े हैं, और जिला प्रशासन को निर्देश समय समय पर सीएम साहब भी दे रहे हैं और हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। ये देखो सीएम साहब के OSD साहब हैं, जो मेन सीएम साहब का देखते गोपाल शर्मा जी हैं, ये पहले SDM रह चुके हैं, ये सीएम साहब के मेन बंदे यही है, इन्होंने कल रात को सीएम साहब के भी संज्ञान में लाया कि बड़ा मुश्किल है, पहले बालू का टेंशन तो पकड़ के ले जाओ सर, और क्या करता नहीं बाकी सही होगा। 11-12 बालू इस साल तो अभी 3-4 ही नजर आ रहे हैं, एक साथ देखो या तो हमारे को ले जाओ एक तो ये कुदरत का कह रहे हैं, ये ऊपर से फिर बालों का आतंक है, बालों को यहीं मटर चारों का सारा खा रहा है, मटर सारा खा लिया बस, आइसबर्ग बेचने को नहीं, लेके वाला मटर सारा खा नहीं। सबसे ज्यादा लॉस तो भाई को ही है ना जी, सड़क का तो अब अगर मान लिया दो दिन ऐसी स्थिति बन जाती है तो मेरे तो सारे लोगों का हो जाएगा। चल मटर वगैरह आदमी तोड़ेंगे, कल तोड़ लेंगे, रोड तोड़ेंगे,
लेकिन अगर वो भी के साथ ऐसी स्थिति होगी तो वो भी तो हम कल को निकाल ही तो वो भी तो कल को ऐसा हो जाएगा फेंकने को तो गाय भी नहीं खाएगी गाय को पूरे हैस्ती की बड़ी पहली है क्योंकि अगर मेरे पड़े वाले अगर थोड़ा सा भी उसका निकासी किया हो निकाल दो उसमें तो डिजास्टर में निकाल दो जल्दी पानी का तो काफी ध्यान होगा हमारा देखो ना ये देखो एक्शन साहब आए हैं और हम भी चेक कर रहे सर वो आप फोर्स बॉल अभी भी आ रहा है सर मैं भी वही था खड़ा वही है ना वो कंटिन्यू सर कम से कम तीन बार आ रहा सर मतलब एक कल हुए तीन बार आ रहा है सर कितना पता लगा प्रैक्टिस से बात कर रहा हूं ये नहीं ऐसा नहीं सर इसमें क्या है सर इसमें ये टेक्निकल इशू है ना सर अगर इसको हम क्लियर भी करते रहेंगे ना फिर भी ये पीछे आता रहेगा इसका डाइवर्शन जो है कम से कम वहाँ पे जो है सर इतना बड़ा रिवर को रोक रहा था इतना करंट ऐसे देखो तब भी इसको इतना फोर्स है सर इस रिवर को चोक कर रहा था इतना फोर्स इसके लिए ना कल हम जीएसआई को लिख रहे हैं एक टीम भेज रही है ना जब तक हमारा काम शुरू होना सितंबर लास्ट या अक्टूबर तब तक वो अपनी स्टडी कर ले पूरी वो बताएं कि लिंडूर से हल्का हुआ हुआ कहाँ से स्लज हो रहा है कितना कोई पाएंगे एस्टीमेट तो हमने बना लिया है उसका 22 करोड़ का है लेकिन उसको काम करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही साहब ये वाला काम शुरू करवा देंगे सर जैसे आवाज़ यहाँ से उनकी हम परमिशन लाओ हो जाए तो कैसे हम ऊपरली साइड भी दरारे आ चुके प्रशासन तो देख ही रहा है इवन हिमाचल सरकार तक बात पहुंच गई है मीडिया के थ्रू और हमारे थ्रू भी गई है सीएम साहब खुद अपने अभी पूरे गांव वालों के साथ ओएजी सर की बात हुई थी है ना पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है जो भी हमारे से हो सकेगा हम सारे मिल के काम करेंगे जो अभी अल्टरनेट आप लोगों ने बोला है कि इमरजेंसी रोड निकालना है वो अलग करेंगे सारे डीपो साहब भी है डी साहब ने बोल दिया है कि जो कागज़ को अब जो कागज़ है वो सबसे पहले मोहाल सभा से होगी है ना यहाँ वाला जो है ये वाला भी हो जाएगा और परे से भी हो जाएगा हम मैंने आपको बता दिया ना जल्द से करना मैंने तो उनको बोल दिया ट्यूटी वाला डीपो साहब को जल्द से काम ठीक है बाकी ये वाला भी जो है ना आपका दिस इज सेफ ऐसा कोई घबराने निश्चिंत रहे हैं आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि एक्सपर्ट टीम प्रशासन आपके साथ नहीं है सरकार आपके साथ ही सब है यहां पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है बाकी अगर अभी होता है तो अल्टरनेट वाला उठा रहा है नहीं तो थोड़ा चल कल जो आपने फोटो फोटो में थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा था लेकिन चलो पानी ऊपर तक आया लेकिन ये ब्रिज काफी सेफ है लेकिन आपने जैसे आपकी डिमांड अल्टरनेट रूट चूज किया क्योंकि कुछ भी हो सकता है नेचर के आगे आप सभी को पता है इसका पूरे हिमाचल देखो रास्ता गाँव है कुछ भी हो सकता है ना और ये रोड सारे क्रैक्स पड़ गए आप लोगों की फसल तैयार है और लाहौल का ऐसा रहता है एक समय का फसल है हमारा वन सीजन का एक टाइम का फसल है ना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।